चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर थ्री एजुकेशन में। हम लोग संविदा शिक्षक वर्ग दो जो आपकी एमपी टेट ग्रेड टू आने वाली है उसके लिए मैथ्स यहाँ पर रोजाना पढ़ रहे हैं दोस्तों, है ना। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, परिमेय संख्याएं भी कहते हैं। और जो परिमेय संख्याएं आती है वो फ्रैक्शन के अनुसार आती है, फ्रैक्शन यानी कि आपकी कहलाती है भिन्न। भिन्न क्या होती है, क्या क्या चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और बहुत ही डिटेल एनालिसिस हम लोग आज करने वाले हैं। तो बिल्कुल पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा इस चैप्टर का फ्रेम आपको बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर है वो किस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि भिन्न की अवधारणा यानी कि फ्रैक्शन जो है वो कहाँ से अराइज हुआ, ठीक है। फिर भिन्न का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया जाता है ना। साधारण भिन्न होती है, एक दशमलव भिन्न होती है। अब साधारण भिन्न के अंदर बहुत सारे भिन्न होती है, वो हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। फिर हम लोग भिन्न की तुलना यानी कि कंपेरिजन करेंगे, कंपेयर कैसे करते हैं, असमान हर वाली तुलना। हर किसको कहते हैं, देखो जो ऊपर वाली जो जैसे मान लो ए बटा बी के फॉर्मेट में भिन्न है तो इसको कहा जाता है अंश, और जो बी है इसको कहा जाता है हर। तो असमान हर वाली भिन्न की तुलना, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि भिन्न के बीच मूलभूत संक्रिया कैसे होती है, गुण के आधार पर भिन्नों के प्रकार कितने हैं, और ये क्या क्या होती है। संक्षिप्त भिन्न किसको कहते हैं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि 7/9, 11/13, 5/8, फिर 7/11, इनमें से संक्षिप्त भिन्न कौन सी है, तो वो आपसे पूछ लेगा। मिश्रित भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, व्युत्क्रम भिन्न क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न कैसे कहते हैं, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम लोग सीखेंगे कि भिन्न के महत्वपूर्ण गुण क्या है। यहां से आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन बनेंगे, है ना, कि भिन्न कहलाती है, उसमें चार ऑप्शन दे देगा कि जिसमें असमान हर होता है। ये सारी चीजें आपका डिटेल में थ्योरी वाले क्वेश्चन यहां से अराइज होंगे। फिर भिन्न को दशमलव रूप में हम दर्शाएंगे, दशमलव भिन्न को भिन्न के रूप में। फिर इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हम लोग करेंगे। तो आप लोग देखिएगा ये चैप्टर कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये जो आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे, इस तरीके से सारे क्वेश्चन, सारी चीजें, फिर ये इतने सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत ही डिटेल में ये चैप्टर आपका होगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारा सबसे पहले टॉपिक कौन सा है। जैसे सबसे पहले है हमारा भिन्न की अवधारणा यानी कि भिन्न होती क्या है। सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ पर कि भिन्न क्या है, कि किसी मात्रा या भाग को संख्या के रूप में प्रदर्शित ना कर सके या फिर जो पूर्ण नहीं है उसे भिन्न कहा जाता है, जिसे एक है। अब इसको अगर मान लो आधा कर दे, है ना, तो ये पूर्ण नहीं है, तो आधा क्या होगा, आपकी भिन्न होगी। भिन्न को सामान्यतः ए बटा बी के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जहां ए एक पूर्ण संख्या और बी एक प्राकृत संख्या है। अब यहां ध्यान देना, ऐसा क्यों लिखा कि a बटा b में a जो है एक पूर्ण संख्या है और b एक प्राकृत संख्या है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि b does not equal to 0, जब भी a बटा b और b does not equal to 0 होना चाहिए, क्योंकि b 0 होगा फिर वो भिन्न नहीं रहेगी, है ना, और a को अंश और b को हर कहा जाता। तो यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि a बटा b में हमेशा a हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी या a हमेशा एक प्राकृत संख्या होगी, या a हमेशा इस तरीके से कि b हमेशा पूर्ण संख्या होगी या b हमेशा प्राकृत संख्या नहीं होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके थ्योरी बेसिस में पूछे जाएंगे, जो कि हम लोग लास्ट में कवर करेंगे दोस्तों, तो ये आप लोग समझिए। उसके बाद यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्रैक्शन की एक्चुअल वैल्यू। जैसे घर में एक मिठाई आती थी, मान लो एक चॉकलेट आती थी जब हम छोटे थे, है ना, तो भाई बहन में इस तरीके से कि इसको भी आधी दे दे, बेना को भी आधी दे दे, तो फिर बेना अगर छोटी होती थी तो अपन आधी यहाँ से करते थे, है ना, याद आ रहा है, बेईमानपना तुम्हारा बचपन का, है ना। तो ऐसे जब ये बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को, अब बॉक्स का ये जो हिस्सा है, ये कहलाएगा क्या, 1/4, क्या कहलाएगा दोस्तों, 1/4। और अगर इसी को रंगीन कर दें तो ये 2/4, या फिर इसको भी कहेंगे 1/2, है ना। यहाँ पर अगर तीन हिस्से हम रंग में कर दें तो ये कहलाता है 3/4, और अगर खाली वाले का पूछे तो खाली हिस्सा है 1/4। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा, इस तरीके से ये बनता है। वैसे इतना बेसिक नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अब आ जाइए आप लोग भिन्नों का वर्गीकरण। भिन्नों का वर्गीकरण क्या होता है, साधारण भिन्न होती है, एक दशमलव भिन्न होती है। साधारण भिन्न जो है ना, जैसे 3/4 हो गई, 4/5, 2/5, ये सारी क्या हो जाएगी, साधारण भिन्न कहलाएगी दोस्तों। दशमलव भिन्न कौन सी होगी, जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घात हो,
हर बोले तो नीचे वाली संख्या, ये जो 10 है ये अगर 10 रहा, हर जो है वो 10 या 10 की घात, 10 की घात बोले तो 10 की घात 2 मतलब 100, 10 की घात 3 मतलब 1000, ऐसे करके मतलब या तो भिन्न का हर 10 हो या 10 की घात हो, उसे दशमलव पद्धति में लिखा गया है या उसे दशमलव भिन्न कहलाती है या वो दशमलव भिन्न कहलाती है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग भिन्नों की तुलना करेंगे, यानी कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस हम लोग करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन क्या होगा? तो समान हर वाले भिन्नों की तुलना, समान हर वाली कैसे, ध्यान देना। जैसे समान हर वाले भिन्नों तुलना में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 1/5, 3/5, 4/5 और 2/5 में सब कुछ बराबर है, 5 बराबर बराबर आ रहा है, तो इसमें जो सबसे बड़ी होगी वो बड़ी होगी, जब सबसे छोटी होगी वो छोटी होगी, है ना। ऐसी भिन्न में जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, इसके विपरीत जो छोटा अंश है वो सबसे छोटी भिन्न होगी। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो 4/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी है, जहां हर समान हो वो बहुत इजी है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आता 11/15, फिर 11/13 ऐसा क्वेश्चन आता तो हम लोग जरूर विचार करते, लेकिन उसमें भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। दो भिन्नों में तो आपको डायरेक्ट गुणा कर लेना है। जैसे बात समझो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3/4 और 2/5 में कौन सी भिन्न बड़ी है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें गुणा करो, 5 * 3 = 15, 4 * 2 = 8, कौन सी बड़ी है भैया, ये बात ही। इतनी इजी इजी ट्रिक हम लोग सीखेंगे कि आपको एग्जाम में विद इन सेकंड आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए यहां पर देखिएगा, असमान हर वाली भिन्नों की तुलना, असमान हर कैसे, जैसे 4/9, 4/7, 4/5 और 4/3। अब जब दी गई भिन्न के अंश समान हो तो हर भिन्न हो, तो छोटे हर वाली सबसे बड़ी और सबसे बड़े हर वाली सबसे छोटी भिन्न होगी। क्या समझे? देखो उसने बोला कि सबसे जो छोटा हर है, जिसमें सबसे छोटा हर ये है, तो 4/3 सबसे बड़ी भिन्न होगी और सबसे बड़े हर वाली सबसे छोटी होगी, यानी कि ये सबसे छोटी हो जाएगी, 4/9 सबसे छोटी, अगर ये पूछे तो 4/9 आपका आंसर। वैसे भी अगर आपके पास एक और तरीका है, भाग लगा के देखो, 3 का भाग लगाओ 4 में, 3 * 3, फिर है ना पॉइंट लगेगा, 3 * 3 = 3, 1.1 आ रहा है इसमें, आप देखोगे यहाँ पर 4/5 में, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप समझ जाओगे कि 4/5 में भाग लगाओ तो 1 से छोटा आएगा, ये सबसे बड़ी होगी। इसलिए आप लोग ध्यान रखना कि असमान हर हो तो उसमें जिसका अंश समान हो, है ना, अगर अंश इक्वल हो, यानी कि जैसे यहाँ 4 * 4 = 4 = 4 = 4 सब में ऊपर आ रहा है, कॉमन है ना, तो ये आ रहा हो तो सबसे बड़ी भिन्न, जो सबसे बड़ा अंश है वो सबसे छोटी और सबसे जो छोटा अंश है वो सबसे बड़ी। अगर सबसे बड़ी पूछे तो 4/3 और सबसे छोटी पूछे तो 4/9। वैसे ऐसे अंश सेम नहीं देगा, सेम टू सेम दोनों नहीं देगा, a/b और x/y इस तरीके से आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, वैसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब जैसे यहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकते हैं, जिसमें आपको छोटी भिन्न बड़ी भिन्न पूछी जाएगी दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बोला है 3/5, फिर बोला है 7/12, फिर बोला है 11/15, फिर बोला है 7/20। तो सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। अब सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है दोस्तों, तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि आप इनका एलसीएम ले लीजिए सबका। इससे भी छोटे बताऊंगा, पहले आपको बताना हो कि कैसे करते हैं इनको। सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, 5, 12, 15, 20, एलसीएम चैप्टर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, है ना, एलसीएम चैप्टर मैंने पूरा पढ़ाया है, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, तो देखो 5, 12, 15, 20, तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 60। 5 से भाग लगाओगे, 60 में 12 बार जाएगा, 12 * 3 = 36, यानी कि ये 36 आ जाएगा। फिर 12 से भाग लगाओ, 5, 5 * 7 = 35, 15 से भाग लगाओ, 15 * 15 = 60, 4 * 11 * 4 = 44, और 20 से भाग लगाओ आप, 20 * 3 = 8, 3 * 7 = 21। बोलो क्लियर हो रहा है? तो आपको सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है, तो यहां पर आप लोगों का जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 44, 44। बोलो 5 से भाग लगाया, 12 * 12 = 36, है ना, तो यहां पर आपका 11/15 जो होगी वो सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात है ना, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या दोस्तों? तो ऐसे आप लोगों को करना है, बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे क्लियर करना है। अब जिनमें ज्यादा गैप है वो तो सबसे छोटी ही होगी, है ना, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 13/21, फिर लिखा हुआ है 5/7, फिर लिखा हुआ है 9/14, फिर लिखा हुआ है 3/7, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी कौन सी होगी, पहले तो अंदाजा अगर लगाना है तो यहां पर आप देखो कि
कि 13/21 और 9/24 जिनमें डिफरेंस सबसे ज्यादा है वो सबसे छोटी होगी। जैसे आप चाहो तो एलसीएम लेकर के कर सकते हो। एक और तरीका तो ये है कि एलसीएम आपने लिख किया 21 दूना 42 एलसीएम होगा, तो 21 दूना 42, 2 का 13 किया 13 दूना 26, 7 संख 42, 6 पंजे 30, फिर 14 14 3 42, 3 नम 27, 7 से क्या 7 संख 42, 6 3 18। तो सबसे छोटी भिन्न पूछी है, तो सबसे छोटी भिन्न आपको दिख रही है 18, यानी कि 3/7 जो होगी वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का मतलब है कि हम हर समान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इनके जो डिनोमिनेटर हैं उनको क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, ताकि हम कंपेयर कर सके 26 30 27 और 18 में सबसे छोटी कौन है 18, सबसे बड़ी पूछे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या दोस्तों। तो ऐसे आप लोगों को करना है, इस तरीके से आप लोगों को आंसर लाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 5/13, 4/5, 3/5, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। अब आपके लिए बहुत इजी है कि 5/13, 4/5 और 3/5। अब 4/5 और 3/5 में से कौन बड़ी है, वैसे ही दिख रहा है, इनमें से बड़ी कौन सी है, इन दोनों में से बड़ी तो है ये 4/5, इसको छोड़ ही दो, इसको कर लो 5 5 25, 13 चौक 52, तो ये बड़ी हो जाएगी, है ना। तो इसका 4/5 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एलसीएम भी निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे दो भिन्न हो केवल, जैसे 4/5 और 3/5, इसमें आप लोगों को पता चल रहा है क्या। तो जी आप कहेंगे हाँ 3/5 तो छोटी है, ये तो छोटी दिख रही है, फिर 5/13 और इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, तो इधर गुणा कर दो, 5 5 25, 13 चौक 52। तो देखो बाद वाली संख्या बड़ी है, 52 बड़ी है, मतलब 4/5 बड़ी है। बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहां पर 5/8, 5/8, 11/15, 11/24 और 7/12 में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप यहां पर ज्ञात करेंगे सबसे छोटी, तो आप एलसीएम ले लीजिए, है ना। एलसीएम लेना बहुत ही इजी रहेगा, है ना, कि यहां पर 8 और 15 का एलसीएम कितना होता है 120, तो 120 में सबका भाग जा रहा है, ठीक है, 120 एलसीएम हो गया। 8 से भाग लगाएंगे 15 बार, 15 5 75 हो जाएगा। 15 से भाग लगाएंगे 15 8 बार, 8 × 11 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। 24 से भाग लगाएंगे 5 बार, 5 × 11 कितना 55 हो जाएगा। 12 से भाग लगाएंगे 10 बार, 10 × 7 70 हो जाएगा। सबसे छोटी भिन्न पूछा है दोस्तों, तो यहाँ 55 सबसे छोटी दिख रही है और 11/24, और सबसे ज्यादा अंतर भी इन्हीं के बीच में है। मतलब जैसे अगर मुझे डायरेक्ट भी देखना हो तो यहाँ पर 5/8, 11/15, 11/24 और 7/12, अंतर कैसे पता कर रहा हूं मैं, तो आप यहां ध्यान देना, मैं धीरे से समझाता हूं। 5 और 3 में अंतर कितने का है, 5 और 8 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 11 और 15 में कितना अंतर है, 4 का अंतर है। 11 और 24 में कितना अंतर है, तो 11 13 का अंतर है ना। और 7 और 12 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो यहां समझ जाओ आप, सबसे जो सबसे ज्यादा अंतर जिसमें होगा, सबसे ज्यादा अंतर जिसमें होगा वो सबसे छोटी होगी, क्लियर है। तो जैसे 11/24 में सबसे ज्यादा अंतर है, तो 11/24 सबसे बड़ी, और सबसे कम अंतर किसमें है, 5/8 में। तो यहां पर आप देखेंगे, है ना, तो सबसे बड़ी ये हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या। तो इस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे यूं कहूं कि 23/25, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लो 27/64, फिर मान लीजिए यहां पर आ गया 85/90, या फिर ऐसा आ गया मान लो 113/114। अब आपसे पूछ लिया, मान लो एलसीएम लेने की नहीं है, आपसे पूछ लिया कि इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। क्या पूछा, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो दोस्तों आप दिमाग लगाना, दिमाग ये लगाना कि सबसे ज्यादा अंतर किस में है। तो 23/25 में 2 का ही अंतर है, 113/14 में 1 का ही अंतर है, 85/90 में 5 का अंतर। लेकिन यहां अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा अंतर है, तो जिसमें ज्यादा अंतर होगा वो सबसे छोटी होगी। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 27/64। बोलो कॉन्सेप्ट सीखे कि नहीं सीखे, कॉन्सेप्ट सीखे कि नहीं सीखे। हाँ भरो मुंडी हिलाओ थोड़ी, है ना, ठीक है, आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, मुंडी हिलाओ थोड़ी, समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। आपको ये तब पता चलेगा जब आपके क्वेश्चन एग्जाम में होंगे, ठीक है। वर्ग 2 में अभी भी बहुत सारे दोस्त सिलेक्ट है, ठीक है,
वर्ग दो में, अभी भी वर्ग दो में जो सेकंड काउंसलिंग हुई है उसमें भी अपने यहाँ से बहुत सारे दोस्त सिलेक्ट है। वर्ग एक दो में पिछली बार भी बहुत सारे दोस्त लगेंगे और इस बार भी ये जो देख रहे हैं आप, जो देख रहे हो आप भी सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मेहनत करिए, रेगुलर आप लोगों को पढ़ाई करना है, अप्रैल में आप लोगों को एग्जाम है, तो उसके लिए अभी से आप लोग तैयारी करिए दोस्तों। चलिए आगे से बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। और आप लोग पूरे वीडियोस कोर्स के लिए आप लोग लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप लोगों ने डाउनलोड करना है, वहां पर आप लोगों को कोर्स मिल जाएगा जिसमें सारे वीडियोस होंगे, ठीक है। कोर्स MPTET Grade 2, MPTET Grade 2 का कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कोर्स आप लोग देख लीजिएगा, वहां पर आप लोगों को सारे वीडियोस जो 60 नंबर की मैथ्स है वहां पर वो सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग करिए, ये तो बात की बात है, आप देख लेना अपने हिसाब से। चलो 23/25 अगला क्वेश्चन देखो, 23/25, फिर कह रहा है 4/5, फिर कह रहा है 17/20, फिर कह रहा है 11/20। आप खुद अंदाजा लगाइए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी बिना एलसीएम के। तो यहां देखेंगे अंतर 2 का है, यहां अंतर देखेंगे 1 का है, यहां अंतर 3 का है, लेकिन यहां अंतर 9 का है। तो जहां सबसे ज्यादा अंतर होगा, जहां सबसे ज्यादा अंतर होगा वो सबसे छोटी होगी, तो 11/20 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, वैसे भी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं। अब आप लोगों को धीरे धीरे बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। 9/11, 3/4 और 29/44 में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, बड़ी जिसमें सबसे कम अंतर, जिसमें सबसे कम अंतर होगा वो सबसे बड़ी होगी, और जिसमें सबसे ज्यादा अंतर होगा वो सबसे छोटी होगी। तो सबसे कम यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का ही अंतर है, यहाँ तो ज्यादा ही अंतर है, तो 3/4 में सबसे कम अंतर है, तो 3/4 सबसे बड़ी हो जाएगी। आप चाहे एलसीएम मेथड से भी करके देख सकते हैं दोस्तों, जैसे 9/11, 3/4, 29/44, इनमें एलसीएम ले लीजिए, 11 4 44 का 44 ही होगा, तो 11 चौक 44, 4 9 36, 4 से किया 11 11 तिया 33, अरे 4 से किया 11, 9 चौक 36 11 33। हाँ तो आप थोड़ा ध्यान रखना इसमें, है ना, जहां एक दो की गेप हो वो देख लेना, 44 से 44 या 29 का 29, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, तो इसका आंसर 9/11 होगा, थोड़ा ध्यान देना आप, ठीक है। तो आप एलसीएम से एक बार करके देख लेना, जहां अंतर 1 2 का हो तो वहां दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 11 से इसको काटेंगे 90 तो 0.8 आ, 11 8 88, फिर 2 बचा तो यहां पर 11 का 0.08, 4 से इसको काटेंगे तो 0.75 ही आ रहा है, देखो कौन बड़ा है, 0.81। हाँ ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हो तो वहां पर आप लोग देख लेना, जहां ज्यादा अंतर हो, जैसे ये सबसे छोटी है ये तो पता चल ही रहा है, सबसे छोटी वाले का तो पता चल ही जाएगा, सबसे ज्यादा अंतर जिसमें होगा वो सबसे छोटी है, इनमें सबसे ज्यादा अंतर ये सबसे छोटी होगी, ठीक है। दोनों तीनों तरीके हैं आप लोगों के पास, आप चाहे भाग लगा के भी चेक कर लेना, आप डिफरेंस देख के भी चेक कर लेना, जैसे 1/6, 23/24, 11/16 और 7/8, इनमें सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो इनमें भी 1 का अंतर आ रहा है, अब इनमें भी 1 का अंतर आ रहा है, तो ऐसे केस में एलसीएम लेना बहुत इजी रहेगा। इन दोनों में ही देख लो आप, क्योंकि ये दोनों तो बड़ी हो ही सकती, मैं गारंटी दे रहा हूं, तो इसमें देख लो कि इसको भी 3 गुना कर दो, जैसे ये 23/24 है, ठीक है, और ये है 7/8, तो इस 8 को भी 24 कर दो, 8 3 24, इसमें भी 3 3 का गुणा कर दो, तो 7 3 21 हो जाएगा, 8 3 24, तो वैसे भी बड़ी कौन सी दिख रही है, 23/24 दिख रही है। बोलो क्लियर हो रहा है, ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है, चाहो तो आप एलसीएम से भी कर सकते हो, तो इसका वैसे भी आंसर सबसे बड़ी भिन्न में 23/24 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बोलो क्लियर हो रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है, तो ऐसे आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 13/18, 7/9, 11/15 और 23/45 में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। सबसे बड़ी भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, बहुत ही ईजी है, 13/18, 7/9, 11/15 और 23/45, सबसे बड़ी ज्ञात करना है, सबसे कम अंतर किसमें है, तो 11/15 में 4 का अंतर है दोस्तों, 7/9 में केवल 2 का अंतर है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 7/9 हो जाएगी दोस्तों। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है ना, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी प्रैक्टिस के लिए है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों को बहुत इजी वे में क्लियर। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है तो सबसे कम अंतर, अब दो दो में कम कम अंतर आ रहा है, तो आप एक काम करो, ऐसे केस में एलसीएम ले लेना, 45 एलसीएम है, तो 9 5 45, 5 7 35, 15 3 45, 3 × 11 33, 3 से किया तो 15 बार आ गया, 5 से किया तो
पांच, नौ, पैंतालीस, नौ, तीस, सत्ताईस, तो सबसे बड़ी तो कौन सी आ रही है, 7/9 आ रही है। तो एलसीएम विधि से आप लोग करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी दोस्तों, इस तरीके से आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा, है ना। चलिए यहाँ लिखा हुआ है 23/27, 7/9, 5/9, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, तो 23/27, 7/9 और 5/9। अब सब 7/9 और 5/9 में तो छोटी कौन सी है, 5/9 ही है ना। और इसमें भी अगर हम 27 के बराबर इसको लाने के लिए इसमें तीन तीन का गुणा कर दें तो ये 15 आ रही है, 9 + 3 = 27 आ रहा है। तो देखो 23 और 15 में से सबसे छोटी कौन सी है, 15, यानी कि आपकी 5/9 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे आप लोगों को करना है, क्लियर है, तो बहुत इजी है ना। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आगे आप लोग टॉपिक देखिएगा, आगे टॉपिक कौन सा है, गुण के आधार पर, गुण के आधार पर भिन्नों के प्रकार, है ना, गुण के आधार पर भिन्नों के प्रकार। तो ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपका बस इतना ही, आप लोग डाउनलोड करिएगा, मैंने वैसे बता ही दिया है, Layer 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करिएगा, उसके स्टोर ऑप्शन में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। अगर आप मैथ्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स का आपको मिल जाएगा, इसके अलावा जो 60 अंक का ये हो जाएगा, उसके अलावा आप लोगों को बाल विकास का कोर्स भी वहां पर मिल जाएगा 30 अंक के लिए, और हिंदी का कोर्स भी वहां पर मिल जाएगा 30 अंक के लिए, और इंग्लिश का कोर्स भी यहां पर मिल जाएगा 30 अंक के लिए। तो यानी कि पूरा 150 नंबर की तैयारी आपके वर्ग 2 मैथ्स की हो रही है दोस्तों। तो जो लोग चाहें बिल्कुल ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें आप लोगों को सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज क्लासेस, जो आपका पूरा सिलेबस है सर, हमारा पूरा सिलेबस, तो आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर करवाया जा रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। बाकी ऐसे वीडियोस आप लोगों को रोजाना मिलते रहेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए आगे के जो वीडियो है आपको मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।